हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4 ऑफ ग्रेड 11, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स से किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के थे. एक उसमें था आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम थी, और दूसरा वो था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, और वो था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. हमने स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझे थे कि हमें किस तरीके से लिखने होते हैं, और हमने एनर्जी लेवल डायग्राम भी सीखा था किस तरीके से बनता है. अब आज इस वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके और मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर बिहेवियर को पता करने में हेल्प करता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेनली दो बिहेवियर करेंगे, जिसमें से पहला हमारा आता है बॉन्ड ऑर्डर, और दूसरा इसके अंदर आता है हमारा स्टूडेंट्स मैग्नेटिक बिहेवियर. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाफ इनटू एनबी माइनस एनए. एनबी कौन है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और एनए कौन है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब अगर हमें इसको डिफाइन करना है स्टूडेंट्स, तो हम इसको बहुत ही सिंपल है डिफाइन करना. तो इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जो ये बॉन्ड ऑर्डर है, इसके काफी सिग्निफिकेंसीज हैं. जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल है या नहीं है, वो हमें किससे पता लगता है? बॉन्ड ऑर्डर से. बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. नंबर टू, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इट मीन्स स्टूडेंट्स वहां सिंगल बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल में. अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. यानी ये हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन भी देता है. बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से भी रिलेटेड है स्टूडेंट्स. जो बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के जो एटम्स हैं उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना आसान होगा, डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना और भी मुश्किल होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना और भी मुश्किल होगा. यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी. मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करते हैं स्टूडेंट्स? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा. और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नजर आते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या एम्प्टी है, तो ऐसी स्थिति में वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के देख रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूलर आयंस के देख रहे हैं, और उनका एनर्जी लेवल डायग्राम भी देख रहे हैं. स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए. अगर हम स्टूडेंट्स H2 लिखते हैं, इट मींस ये दो H एटम से मिलकर बना है. H का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1, तो 1+1 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2. अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं H2+ की, तो स्टूडेंट इसका मतलब हम H+ की बात कर रहे हैं. H में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1. और H+ में कितने हो गए? 0. यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1. अगर हम इसके नेगेटिव आयन की बात करते हैं, तो इट मीन्स H+H- की बात कर रहे हैं. इसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 3. अगर स्टूडेंट्स हम Hg2 की बात करते हैं, तो वैसे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन अगर हम मान लें Hg2 मॉलिक्यूल बनता है, तो इट मीन्स Hg+Hg और 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4. अगर हम हीलियम मॉलिक्यूलर पॉजिटिव आयन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है. इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और यहाँ हो जाएंगे 1.
हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और इंटरप्रिटेशन के बारे में देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन और उसके आयंस की, हाइड्रोजन और उसके आयंस की बात करते हैं। तो इसमें आता है आपका, इसमें आपका आता है सबसे पहले H2 और H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1+1 होते हैं और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, σ₁s₂ करके लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम ½ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा कि σ ½ × 2 − 0 = 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। और हम सबको पता है स्टूडेंट्स, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। H2+1 है तो स्टूडेंट σ₁s₁ हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका, ½। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब H2- का लिखना है स्टूडेंट, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये σ₁s₂ σ*1s₁ आ जाएगा। तो इसमें आपका ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया स्टूडेंट्स, इसलिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं। जब हम H2- की बात करते हैं तो इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर होगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 2 हो गए, एंटी बॉन्डिंग 1 हो गए और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ½ आ गया। और इसमें चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। जब He2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये σ₁s₂ और σ*1s₂ हो गया, यानी कि देखो अब बॉन्डिंग भी 2 और एंटी बॉन्डिंग भी 2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हम He2+ की बात करते हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, यानी कि σ₁s₂ and σ*1s₁ हुआ। तो इसमें 2 − 1 हो गया, यानी कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर हो गया ½। और चूंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसका मतलब ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम Li₂ में 6 इलेक्ट्रॉन्स, Be₂ में 8 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कर सकते हैं। अब बेरिलियम में स्टूडेंट्स अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसका मतलब इसमें σ₁s₂ आ गया, σ*1s₂ आ गया, सिग्मा इसके अंदर आपका आ गया 2s₂। देखो 1s के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, 2s आता है। 1s ने 2 बनाए, σ₁s और σ*1s बनाया। इसी तरीके से 2s भी 2 बनाएगा, σ₂s बनाएगा और σ*2s बनाएगा। ये होगा बॉन्डिंग और ये होगा एंटी बॉन्डिंग, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स 4 − 4 यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स Li₂ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, Li₂ जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसी तरीके से Be₂ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम औरों के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, C₂ का लिख सकते हैं, N₂ का लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स N₂ के अंदर देखिए आप टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7+7 यानी 14 हो गए। 14 हो गए तो ये σ₁s₂ σ*1s₂ हो गया, उसके बाद σ₂s₂ σ*2s₂ हो गया, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट 1s 2s उसके बाद क्या आता है, 2p आता है।
अब हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन तक जो है, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक, उनमें पहले पाई बॉन्ड आता है, फिर सिग्मा बॉन्ड आता है। तो पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए और लास्ट में सिग्मा टू पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू, ये हो गए टू, ये हो गए टू, ये हो गए टू, ये हो गए टू, यानी कि टेन हो गए बॉन्डिंग, और ये दोनों फोर हो गए हमारे एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री आ गया। क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे हैं, हमारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर थ्री से स्टूडेंट्स हमें ये भी समझ में आता है कि दो नाइट्रोजन एटम आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें एन टू प्लस का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, एन प्लस एन प्लस, एन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सेवन, एन प्लस के अंदर कितने हो गए, सिक्स हो गए। अब हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ वन आ गया। अब आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो दस से रह कितने रह गए, नाइन, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। लेकिन इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। एन टू माइनस को देख लेते हैं स्टूडेंट, एक एन है, एक एन माइनस वन है, सेवन प्लस एट कितने हो गए, 15। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब N2 में हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, पाई एक्सट्रिक्ट आ जाएगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो पाई टू पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वन। एन टू माइनस टू में स्टूडेंट सेवन प्लस नाइन, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ तक तो हमने एन टू का 14 तक कर ही लिया था। अब देखो स्टूडेंट्स, ये समझने वाली बात है, चूंकि पी टू पी एक्स और टू पी वाई की एनर्जी कैसी है, सेम है, और दोनों ही पाई एक्सट्रिक्ट है तो दोनों की एनर्जी सेम है। तो हुन रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद इसकी क्या शुरू होगी, पेयरिंग शुरू होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है कि हमें हुन रूल को फॉलो करना है। बॉन्ड ऑर्डर इसका टू आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें दो दो अनपेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें O2 की। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, N2 माइनस है तो इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन्स और O2 है इसके अंदर भी 16 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि वो डिफरेंस क्या है। जब स्टूडेंट्स हम N2 का लिखते हैं तो यहाँ पे पहले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आता है, उसके बाद भी सिग्मा टू पी जेड आता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन का करते हैं स्टूडेंट्स तो जो है वहां पहले सिग्मा आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, पाई आएगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पहले क्या आएगा, पाई, और यहाँ पहले क्या आएगा, सिग्मा। बस यही डिफरेंस है दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। और देखा जाए स्टूडेंट्स तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, क्यों, दोनों में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम और एंटी बॉन्डिंग भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के क्या है, अलग अलग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस का करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें बस यही समझना है कि अगर O2 प्लस का लिखना है तो उसमें से तो एक तो O होगा और एक O प्लस होगा, एक में 8 इलेक्ट्रॉन, एक में 7, टोटल 15, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो हम यहीं से रिमूव करेंगे ना। अब इसके पास एक अनपेयर्ड रह गया, स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक, बट इट इज लेस पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे आप आता है O2 माइनस, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ऐसे ही O2 माइनस इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसी तरह से हम इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और इनके भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जब हमने इन सबके बॉन्ड ऑर्डर्स निकाले स्टूडेंट्स तो हमने देखा कि इन सबके बॉन्ड ऑर्डर्स में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का आया, फिर O2 का आया, फिर O2 माइनस का आया, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, O2 माइनस 2 का आया। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा, O2 प्लस, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, O2 माइनस 2 सबसे कम स्टेबल होगा इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्टूडेंट्स कुछ जो है एनर्जी लेवल डायग्राम्स की, सॉरी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ F2 के बारे में, तो ये आप सिंपली कर ही लोगे। हमें पता है ये दो फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड नंबर वन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है स्टूडेंट्स, तो डायमैग्नेटिक हो गया ये वाला। एनई टू को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 10 + 10 कितने हो गए, 20 हो गए, पहले सिग्मा आएगा फिर पाई आएगा। अब इसके अंदर आपके सभी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गए हैं, यानी कि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर आपका जीरो आ गया है। इसका मतलब कि दो एनई के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका मतलब एनई टू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स देख लेते हैं इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम जिसका हम देख रहे हैं वो आता है हमारा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा इसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक इसके अंदर बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि स्टूडेंट्स हमें ऑर्बो रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले हम बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो वो किसमें जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन का बना लिया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है H2+ का भी बना सकते हैं, ये H2+ हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक तरफ H को ले लेंगे और एक तरफ हम किसको ले लेंगे, H+ को ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो H+ में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका 1s कैसा है, खाली है, और इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका सिग्मा 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स H2-, इसके अंदर हम देख लेते हैं He2 को देख लेते हैं, तो यहाँ हीलियम है, यहाँ भी हीलियम है, तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, जिसमें से 2 आ गए सिग्मा 1s के अंदर और 2 इसके अंदर आ जाएंगे आपके सिग्मा स्टार 1s के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ हम लोग जो है हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं एक n, और यहाँ एटॉमिक ले रहे हैं दूसरे n का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p3 होता है इसके अंदर, यानी कि इसके n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट 2s हमने दिखाया है, इससे पहले 1s भी बना हुआ होता है, और जो 1s होता है वो भी बिल्कुल इसी की तरह ही बना होता है, यानी कि इस तरीके से बना हुआ होता है, वो हमारा यहाँ आ जाता 1s और यहाँ पर भी आ जाता हमारा 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो, ये हमारा बनता सिग्मा 1s और ये बन जाता हमारा सिग्मा 2s, और दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते, ये सिग्मा स्टार और ये सिग्मा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 हो गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, यहाँ पर भी देखो दो दो इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और यहाँ भी पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स के कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमें पता है स्टूडेंट्स की पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी जो है वो सिग्मा 2pz से कम है, तो ये दोनों नीचे आ गए, ये ऊपर आ गया, और इनसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग की, इसका एंटी बॉन्डिंग और इसका एंटी बॉन्डिंग, और सबसे ऊपर स्टूडेंट्स किसका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, सिग्मा का आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वही हम तो अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीख रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो बताओ एनर्जी के हिसाब से भरे जाएंगे, ये दोनों तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन सा है हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर डालेंगे, बॉन्डिंग में डालेंगे, तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये देखो हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, जब 4 हो गए तो हमने 2 इसमें डाल दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करो कि मुझे यहाँ N2+ का लिखना होता,
तो स्टूडेंट्स मैं क्या करती है, N2 प्लस का लिखना होता तो मैं यहाँ पर N की जगह पे क्या लिखती, N प्लस लिखती और यहाँ N लिखती। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 7 प्लस 6 कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 13 हो जाते। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देती, कम कर देती। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे, 5 हो जाते। तो 5 हो जाते तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते 5 को, तो दो दो इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ आ गए 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता हमारा फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम N2 - 2 वगैरह का लिख सकते हैं। अगला स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। यहाँ स्टूडेंट्स देखो वही है आपका, इसके नीचे जो है वो 1s वाला आएगा, यहाँ डायरेक्ट 2s मैंने लिख रखा है, 1s आएगा, उसके बाद में 2s आएगा, 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा। अब जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आता है 1s2 2s2 2p, क्या आ जाता है स्टूडेंट 1s2, वो आ जाता है हमारा 1s2 2s2 2p 4 आता है, यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 आएंगे। तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी में, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, और 4 ही यहाँ हो गए। तो 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2 यहाँ आ गए। अब देखो जो ऑक्सीजन वाला है उसमें ये पोर्शन अलग होता है, पहले सिग्मा आता है फिर पाई आता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। अब देखिए समझने वाली बात, 6 हो गए, हमें 8 फिल करने। तो देखो स्टूडेंट्स पहले इसमें 1 आएगा और इसमें 1 आएगा, हुंस रूल को फॉलो करते हुए। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि इन दोनों के अंदर सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हमें O2 प्लस का लिखना होता तो मैं यहाँ क्या कर देती, O प्लस कर देती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते आपके, 7, और इधर कितने हो जाते 8, टोटल कितने होते 15, और यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, टोटल 3 हो जाते, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आता। इस तरह से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सपोज करो मुझे अब लिखना है यहाँ पर He2+ का लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, He+ क्या कर दूंगी, He+1, यानी 2+1 करके कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, 3। अब मुझे इसका अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी मैं इसका, पहले मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगी ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 1s, ये हमारा क्या आ गया 1s, ये हमारा क्या आ गया सिग्मा 1s, ये हमारा क्या आ गया σ *1s। तो जब हम हीलियम की बात करते हैं तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, टोटल 4 हो गए, 4 में से 2 यहाँ आ गए। ठीक है, अब हमें तो He+2 का लिखना है ना, He+2 का, यानी मैंने यहाँ क्या लिया He और यहाँ क्या ले लिया He+1 ले लिया, तो यहाँ से मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लिया स्टूडेंट्स, ये ले लिया। अब हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज होते हैं। इस तरह से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में जो था Part 1 था और ये Part 2 है, दोनों मिलाकर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो स्टूडेंट्स इसको आपको ध्यान से करना है, समझना है, वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।